वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, मैं हूं अकार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। दिल्ली की रहने वाली आभा यादव, जिन्होंने मास्क ना पहनने की जिद की और दिल्ली पुलिस से भिड़ गई, कहने लगी ना तो मास्क पहनूंगी और कार में अपने पति को किस भी करूंगी। पुलिस ने दोनों पति पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। खुद को UPSC टॉप बताने वाली आभा यादव कौन है और उनके पति क्या करते हैं, हमारी स्पेशल रिपोर्ट में दिल्ली के कपल की पूरी कहानी देखिए। वीडियो में पुलिस से जो महिला झगड़ रही है उसका नाम आभा यादव है और जो शख्स महिला का साथ दे रहा है उसका नाम पंकज है। कार में ड्राइविंग सीट पर बैठा पंकज आभा यादव का पति है, जो पत्नी आभा की तरह दिल्ली पुलिस से बदसलूकी करता रहा। जब पानी सिर से ऊपर चला गया तो दिल्ली पुलिस ने दोनों के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया और सोमवार को कोर्ट में पेश कर तिहाड़ जेल भेज दिया। पढ़ी लिखी होने के बावजूद आभा यादव की इस हरकत ने उनकी किरकिरी करा दी है। उनका कहना है वो UPSC मेंस की परीक्षा पास कर चुकी है। आभा और पंकज पश्चिमी पटेल नगर निवासी है। पंकज सेल्समैन की नौकरी करता है, आभा घरेलू महिला है। पुलिस की कार्रवाई देख पंकज नरम पड़ गया। उसने पत्नी के कारण मुसीबत में पड़ने की बात कही। पंकज का कहना था वो बार बार आभा को कार में मास्क पहनने के लिए बोल रहा था, लेकिन ना तो उसने मास्क पहना और ना ही उसे पहनने दिया। पत्नी आभा ने ही गुस्सा दिलाया, जिससे उसने भी पुलिस के साथ बदतमीजी की। आरोपी पंकज को पुलिस ने रविवार को ही गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन रात होने के चलते उसकी पत्नी आभा को गिरफ्तार नहीं किया गया और उसे घर भेज दिया गया था। पंकज रात भर थाने में हवालात में रहा। सोमवार को पुलिस जब आभा को गिरफ्तार करने उसके घर पहुंची, तब वहां भी उसने कई घंटों तक पुलिस के साथ बदसलूकी की। काफी समझाने पर वो थाने आई। थाने में भी उसका रवैया आपत्तिजनक रहा। पहले तो वह पुलिस कर्मियों से उलझती रही, लेकिन जब उसे महसूस हुआ कि पुलिस उसके और उसके पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रही है, ऐसी धाराएं लगा रही है जिससे जेल जाना पड़ेगा, उसके बाद वो एकदम से नरम पड़ गई और गुस्से में आपत्तिजनक शब्द बोलने के लिए माफी मांगनी शुरू कर दी। और खबरों के लिए देखते रहिए जनसत्ता.com।